बाउंड्री वाल ना होने से क्या दिक्कत है? लोग आकर तोड़ देते हैं और जानवर भी घुस जाते हैं। गांव वाले आकर समराज तोड़ते हैं, जानवर घुसाता है, खिड़की तोड़ते हैं। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बाउंड्री वाल होना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के नोकरा मनापुर प्राथमिक विद्यालय पर पिछले 20 सालों से बाउंड्री वाल न होने से 180 बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक छोटी समस्या है जो विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं है, उससे क्या दिक्कत आ रही है? इससे दिक्कतें थोड़ा ये है कि स्कूल बंद होने के बाद गांव के जैसे कुछ अराजक तत्व जो है आके शौचालय को नुकसान कर देते हैं, या हैंडपम्प को तोड़ देते हैं, या गंदगी फैला देते हैं। इससे जो है थोड़ा विद्यालय जो है असुविधा महसूस करता है, कुछ न कुछ बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के या कुछ न कुछ नुकसान करते रहते हैं। तो बाउंड्री वाल के लिए लिखित मौखिक रूप से जी, जी ये मैडम जो है हम अपने हेडमास्टर के माध्यम से जो है BRC में सूचना दे दी है। हमारे शिक्षण अधिकारी शीघ्र ही इसके लिए बजट जारी करेंगे, बनवा दिया जाएगा। इससे बाउंड्री बन जाने से हमारे विद्यालय में जो है बच्चे कभी कभी खेल के बहाने जो है बाहर निकल जाते हैं, और बाउंड्री बन जाएगी तो प्रांगण में इनको खेल कूद लंच इसी में अपना हो जाएगा, बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि नोकरा प्राथमिक विद्यालय पर बाउंड्री वाल बने ताकि रेखा सहित 180 बच्चे को खेलने और पढ़ने की अच्छी सुविधा हो। इसके लिए रामनगर ब्लॉक के BSA साहब के मोबाइल नंबर 8765959001 पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं उषा पटेल, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के इंडियन हट के लिए।